नमस्कार, मैं आदित्य द्विवेदी, आपका ज्योतिष मित्र, आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श लेना चाहते हैं, वर और वधु की कुंडली का मिलान करवाना चाहते हैं या किसी खास मुहूर्त के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप रत्न चाहते हैं, रुद्राक्ष चाहते हैं या अपनी ग्रह शांति करवाना चाहते हैं तो सारी व्यवस्था आपको हमारे यहाँ से मिल जाएगी। इसके अलावा संस्थान में आपको एस्ट्रोलॉजी का कोर्स भी मिल जाएगा। यह डेट ऑफ बर्थ 2 फरवरी 1975 12:40 का है। 12:40 पे इनका मेष लगन आता है और मेष और वृषभ लगन में इनको ऊहापोह की स्थिति है, क्योंकि उस समय लगन चेंज हो रहा है। और पूरा निष्कर्ष निकालने के बाद इन पता चला है कि इनका मेष लगन ही है, वृषभ लगन नहीं है। क्योंकि आप यहां देख सकते हैं कि लगन की डिग्री जो है बदलने की स्थिति में है, इसीलिए यह ऊहापोह हुआ है। लेकिन इन्होंने जो अपने बारे में जानकारी दी है उस पर बड़ी गंभीरता से और काफ़ी समय तक विचार करने के बाद ये सामने आया है कि इनके लिए मेष लगन ही काम करेगा। सबसे पहले इनकी ग्रह स्थिति का विवरण देख लेते हैं। लग्न इनका मेष राशि में है, यानी मंगल इनके लगन का स्वामी है। लगन इनका जो है सूर्य के नक्षत्र में है। मेष लगन अगर सूर्य के नक्षत्र में हो तो अच्छा है, आत्मबल बनाता है। सूर्य इनका मकर राशि में है, चंद्रमा इनका तुला राशि में है, यानी इनकी राशि भी तुला होगी। मंगल धनु राशि में है, बुध कुंभ राशि में है, मित्र के घर में है, गुरु कुंभ राशि में है, शुक्र कुंभ राशि में है, यानी इन तीन ग्रहों का योग बनेगा। शनि मिथुन राशि में है, मित्र के घर में है। कौन सा ग्रह किस राशि स्थिति में है यहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे लगन आपका जो है ये सूर्य जो है शत्रु राशि में है, चंद्रमा आपका सम राशि में है, मंगल मित्र राशि में है और बुध आपका सम राशि में है, मित्र भी मान सकते हैं इसे, गुरु आपका सम राशि में है, शुक्र मित्र राशि में, शनि आपका मित्र राशि में है, राहु शत्रु राशि में है और केतु सम राशि में है। यहाँ पर कौन सा ग्रह किस राशि में है लिखा है। इसके अलावा अगर हम आपके सूर्य को देखें तो सूर्य चंद्रमा के नक्षत्र में है, चंद्रमा राहु के नक्षत्र में है, मंगल आपका शुक्र के नक्षत्र में है, बुध आपका मंगल के नक्षत्र में है, गुरु आपका गुरु के यानी अपने ही नक्षत्र में है, शुक्र आपका राहु के नक्षत्र में है, लग्जरी देता है लाइफ में, शनि आपका राहु के नक्षत्र में है, राहु आपका शनि के नक्षत्र में है, यानी शनि और राहु के नक्षत्र परिवर्तन का योग बना हुआ है और केतु आपकी कुंडली में चंद्रमा के नक्षत्र में है। अब आ जाते हैं आपकी लग्न कुंडली पर। इधर आपकी लग्न चंद्र और नवमांश कुंडली उपस्थित है। लग्नेश मंगल है जो कि नवम भाव में गुरु की राशि में है। लग्नेश की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, लग्न आपका अच्छा है, लग्न में कोई भी नीच का ग्रह नहीं है। यह आत्मबल आपका बढ़ाएगा और आपको स्वस्थ रखने का प्रयास करेगा। द्वितीय भाव में केतु बैठा हुआ है जो आपको दांत मसूड़ों से संबंधित समस्या, जीवन में कभी कोई ऐसा अवसर आएगा जब आपका परिवार और अपने रिश्तेदारों आदि से कुछ न कुछ मतभेद, तनाव या आपके अपनों के द्वारा आपके ऊपर कुछ कमेंट्स किए जा सकते हैं, आपको बुरा, ऐसे लोग आपका आपकी छवि को बुरा मान सकते हैं, कभी ऐसा समय आ सकता है, हालांकि हमेशा के लिए नहीं रहेगा। शनि तीसरे भाव में बैठा है, मित्र की राशि में है। तीसरे भाव का शनि परिश्रमी बनाता है, व्यक्ति हमेशा कुछ न कुछ करता है, हार के बावजूद भी फिर प्रयास में लगा रहता है, हार के बाद बैठ नहीं जाता है। चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा यहाँ पर देखिए बैठा हुआ है चतुर्थ से चतुर्थ भाव में, तो पत्नी के नाम से भी आपको संपत्ति वगैरह खरीदनी चाहिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। पंचम भाव का स्वामी सूर्य है, दशम भाव में बैठा, पंचम भाव पे गुरु बुध शुक्र की दृष्टि है तो संतान का सुख अच्छा मिलेगा। छठे भाव का स्वामी बुध है और यह बुध आकर के एकादश भाव में बैठा हुआ है और यही बुध तीसरे भाव का भी स्वामी बनता है, तो तीसरे और छठे भाव ये दोनों क्रूर भाव के में आते हैं। क्रूर भाव का स्वामी क्रूर भाव में है, बुध यहाँ पर आपकी अभिलाषाओं को पूर्ण करने में सक्षम है।
शुक्र आपका जो सप्तम भाव है स्वामी शुक्र है, लाभ भाव में मित्र बुध के साथ बैठ के लक्ष्मी नारायण योग बना रहा है, यानी पत्नी का भाग्य भी आपके लिए अच्छा है। अष्टम भाव का राहु है, जीवन में अचानक से उतार चढ़ाव देता है, सब कुछ रहते हुए शरीर से कोई ना कोई तकलीफ बनाए रखता है, पेट गैस की समस्या देता है, कभी कभी स्किन की प्रॉब्लम्स भी देता रहेगा, दांत खाज खजली भी देता है। और जीवन में एक स्थिति ऐसी आती है जब आप काफ़ी अपमानित महसूस करते हैं, निराशा में जाते हैं, और नुकसान के नाते घाटा के नाते आपके मन में नकारात्मक विचार भी भर जाते हैं। द्वितीय भाव का केतु और अष्टम भाव का राहु ने आपको बिजनेस में असफल बनाया था। नवम भाव का मंगल बड़ा अच्छा है और मेष लगन भी है, भगवान शिव की उपासना कीजिए। दसम भाव का सूर्य कुल दीपक नाम का योग बना रहा है, ये आपको यश प्रसिद्धि और सम्मान दिलाने का प्रयास करता रहेगा और निरंतर आपको कर्मशील रखेगा। लाभ भाव में तीन ग्रह कभी आपका जेब खाली नहीं करेंगे, भले ही किसी दूसरे का पैसा हो, कर्ज का हो, जेब में पैसा रहेगा ही रहेगा जीवन में, जब भी बुरी से बुरी स्थिति रहेगी तब भी। और ये तीनों ग्रह मिलकर आपको काफ़ी सपोर्ट भी करेंगे। बारहवें भाव का स्वामी भी लाभ भाव में आया हुआ है, ये भी अच्छा योग है। इस कुंडली में अगर हम राजयोग की बात करें तो शनि और बुध ने राशि परिवर्तन किया है, ये एक अच्छा योग है। दूसरा, यहाँ पे जो नवम भाव का स्वामी गुरु है, और नवम भाव क्या हो गया, त्रिकोण, और केंद्र हो गया सप्तम भाव, और ये जो केंद्र का स्वामी शुक्र है ये धन भाव का भी स्वामी है, तो ये शुक्र और गुरु की युति लाभ भाव में बनी है, तो ये धन योग बनाता है, जीवन में धन आपको प्रदान करेगा। अगर हम मोटा मोटी तौर पे देखें क्या दिक्कत है, तो आपकी कुंडली में राहु और केतु ग्रह को लेकर के परेशानियां हैं। राहु केतु के कारण आपने एक बार बिजनेस में फ्लॉप हुए हैं, काफ़ी नुकसान आपने सहा है, और आपको सलाह दी जाएगी अब आप दोबारा बिजनेस की तरफ ना ही जाएं तो ही ठीक रहने वाला है। इसमें एक विशेष चीज़ और भी है कि इस समय जो आपकी दशा चल रही है वह भी अच्छी नहीं चल रही है। इस समय शनि की महादशा चल रही है और अंतर चल रहा है राहु का। ये जो आठवें भाव का राहु बैठा है यही आपके मन को बिजनेस की तरफ सोचने के लिए विवश कर रहा है। दिसंबर 2021 में आया है राहु और अभी अक्टूबर 2024 तक चलेगा, तो ये राहु के कारण गलत डिसीजन ना लीजिए। जिस जॉब में है वहाँ पे प्रेशर फील हो रहा है, वहाँ पर थोड़े से बधे बधे से आप महसूस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको जॉब ही कंटिन्यू रखना है। अभी देखिए कि शनि जो है पिछले ढाई साल से मकर राशि पे गोचर कर रहा था, और अब शनि मकर से यानी आपके कर्म भाव से चले गए हैं लाभ भाव में। पिछले ढाई साल में आपने जो मेहनत किया है अपने कार्यस्थल पे, कंपनी के लिए, नौकरी में, उन सब का परिणाम अब आपको अगले ढाई साल में मिलना है, तो अब जो आपने पूर्व में मेहनत किया है उसका फल चखने का मौका आ गया है। अभी गुरु मीन राशि पे गोचर कर रहा है, 22 अप्रैल को जब मेष राशि पे आ जाएगा तो कंपनी भी अपनी शर्तों में ढील देगी और आपका भी मन लगेगा, तो इसलिए अभी कोई डिसीजन नहीं लेना है, अभी आप कंटिन्यू करिए जो जॉब कर रहे हैं। प्रमोशन भी आपका गुरु यहाँ पर आएगा, तुरंत प्रमोशन के भी योग बन जाएंगे, मौके पे भी प्रमोशन के योग बने हुए हैं, लेकिन आपको डिसीजन चेंज नहीं करना है, बिजनेस की तरफ फिर नहीं जाना है, नहीं तो नुकसान होगा। यहाँ लाभ भाव में जो तीन ग्रह बैठे हुए हैं ये स्थिर राशि में है, ये आपके तीन ग्रह स्थिर राशि में है, राहु स्थिर राशि में है, केतु स्थिर राशि में है, तो 3, 2, 5 पांच ग्रह आपकी कुंडली में स्थिर राशि में है, 9 में से 5। अगर चर राशि में ग्रहों की संख्या अधिक होती तो बिजनेस की तरफ सोचा जा सकता था। चर राशि में एक तो सूर्य है, एक चंद्रमा है, सिर्फ यही दो ग्रह हैं, इसलिए अभी आप बिजनेस की तरफ ना जाएं, अभी क्या कभी ना जाएं तो ही ठीक है, नौकरी में ही आपको बने रहना है। एक तो आपका चंद्रमा जो है ये केमद्रुम दोष में है, चंद्रमा अकेला है, इसके पीछे कोई नहीं है, साथ कोई नहीं है, आगे कोई नहीं है, राहु और केतु को इसमें शामिल नहीं करते हैं, राहु केतु और सूर्य को, इसलिए चंद्रमा के अकेले होने के नाते मन हमेशा कुछ ना कुछ चलायमान रहेगा, सोचेगा, विचारेगा, और बिजनेस आप शुरू करेंगे तो बड़े जोश में, लेकिन बाद में आपका जोश ठंडा हो जाता है, तो केमद्रुम दोष भी है, इसलिए भी बिजनेस में आपको नहीं जाना चाहिए। चंद्रमा से चतुर्थ भाव में सूर्य तो बैठा है, केंद्र में ग्रह होने से केमद्रुम दोष का प्रभाव कम हो जाता है, लेकिन चंद्रमा से केंद्र में राहु केतु और सूर्य के अलावा कोई ग्रह हो तो ज़्यादा अच्छा है।
तो यहाँ पर सिर्फ अकेला सूर्य है जो चंद्रमा के दोष को भंग कर रहा है, वो भी आंशिक रूप से ही भंग करेगा, यानी पूर्ण रूप से केमद्रुम दोष नहीं है लेकिन फिर भी है। इसलिए मन को कंट्रोल करना आपको सीखना होगा, आपको सिर्फ मनोभाव में बहना बंद करना होगा। केतु यहाँ दूसरे भाव में है और राहु अष्टम में। जब भी नुकसान देगा अचानक देगा, 1.5-2 साल में ही नुकसान दे देगा, 1.5-2 साल में ही फायदा भी करवा देगा। चूंकि केतु यहाँ पर बैठा है, राहु अष्टम में है, चंद्रमा भी केमद्रुम दोष बना रहा है, तो कर्ज की स्थिति जीवन में रहेगी। अभी कर्ज वाली जो स्थिति है, जब तक ये अक्टूबर 2024 नहीं आ जाएगा, राहु की अंतरदशा निकल नहीं जाएगी, राहु शनि के नक्षत्र में भी है, तो ये भी गड़बड़ चीज़ है, 8वें का राहु शनि के नक्षत्र में हो, तो जब तक अक्टूबर 2024 नहीं आएगा तब तक आप कर्ज से मुक्त नहीं हो पाएंगे। अक्टूबर 2024 के बाद आप कर्जा अपना तेजी से निपटा पाएंगे। अक्टूबर 2024 के बाद शनि में गुरु की अंतरदशा आएगी, और आप यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5 गुरु की दृष्टि यहाँ पर आ रही है। गुरु धन के लिए कारक ग्रह होता है, लाभ भाव में बैठा है, तो जब शनि में गुरु आएगा तो आपके काम बड़े तेजी से चलेंगे, कर्जा वगैरह सब कुछ निपट जाएगा। फिर जीवन में ख्याल रखिएगा, पूर्व में आपने जो गलतियां की हैं वैसी गलतियां ना होने पाए। राहु और केतु के लिए वस्तुओं का दान करिए और इन दोनों ग्रहों का जप करवाइए, और केमद्रुम दोष के लिए भी जप करवा लीजिए। इसका विवरण आपको बाद में मिल जाएगा। ये रही आपकी कुंडली की यथास्थिति। मंगल अच्छा है, सूर्य कुलदीपक योग में है, मंगल भी उसके पीछे है, ये दोनों ग्रह मिलकर आपको महत्वाकांक्षी बनाते हैं, जीवन में सफल बनाते हैं। जो नुकसान आपने सहा है भविष्य में उसे आप कवर कर ले जाएंगे। शनि की महादशा के बाद बुध की जो महादशा आएगी, ये आपके लिए अच्छा फल करेगी, क्योंकि बुध और शुक्र की युति जो बन रही है ये आपको लाभ पहुंचाने वाली है। वैसे भी लाभ भाव में बुध अच्छा होता है, तो बुध और शुक्र दोनों करीब में है। शुक्र 10 डिग्री का है, बुध 1 डिग्री का है, गुरु काफी आगे निकल गया है, तो यहाँ पे बुध और शुक्र की युति का लाभ जब बुध की दशा आएगी मई 2027 से, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगी, जीवन में सारे मनोकामनाओं की सिद्धि कर देगी। चंद्र कुंडली का भी मैंने अभी यहीं से बता दिया। चंद्रमा यहाँ पर है, शनि आपका यहाँ से यहाँ आया हुआ है, गुरु यहाँ जाने वाला है 22 अप्रैल को, प्रमोशन के योग बने हुए हैं और पीछे किए गए मेहनत का परिणाम मिलने वाला है। नवमांश कुंडली देखते हैं, तो आपके नवमांश कुंडली में कोई भी ग्रह नीच राशि में नहीं है, यह लग्न कुंडली के लिए एक अच्छी बात हो जाती है अगर नवमांश में कोई ग्रह नीच का ना हो, क्योंकि ये आप हैं, ये आपकी अर्धांगिनी है, ये दिस इज द हाफ पार्ट ऑफ योर लग्न कुंडली। लग्न कुंडली के लग्न में चंद्रमा बैठा है, गुरु की राशि है, गुरु 6ठे भाव में बैठा हुआ है, तो आपके पत्नी का स्वभाव वगैरह अच्छा रहने वाला है। गुरु का आपका 6ठे भाव में जाना थोड़ा सा ये परेशानी करता है, शत्रु राशि में है, केतु के साथ में है, लेकिन लग्न में चंद्रमा होने से पत्नी का सुख आपको अच्छा मिल जाएगा और सारी स्थितियां भी इस कुंडली में ठीक नज़र आ रही हैं। इसके अलावा आप अपनी लग्न कुंडली में और कुछ इंटरप्रिटेशन देखना चाहते हैं तो यह है आपके लिए उचित। देखिए यहाँ पे जो गुरु 26 डिग्री का है, शुक्र 10 डिग्री का है, बुध 1 डिग्री का है, तो आप देखेंगे कि कुंडली में आपके 1 डिग्री और 10 डिग्री ये दोनों ग्रह करीब हैं, तो बुध और शुक्र की युति का फल अधिक मिलेगा और दूसरा फल मिलेगा गुरु और शुक्र की युति का, क्योंकि 10 डिग्री के बाद 26 डिग्री का गुरु आएगा, बुध बीच में नहीं है, तो शुक्र और गुरु का भी योग बनेगा। जो आपको शुक्र क्या है, भोग है, गुरु ज्ञान है, तो भोग और ज्ञान के बीच में आप उहापोह की स्थिति में रहेंगे। कभी मन करेगा खूब अच्छी भौतिक तरक्की करें, कभी मन करेगा चलो आध्यात्मिक उन्नति करें, ये पशुपेश आपकी स्थिति में रहने वाली है। अब आगे चलते हैं, इसमें आपको चंद्रमा का मैंने बता दिया, सूर्य बहुत अच्छा है, सूर्य आपको मान सम्मान सब कुछ दिलवाएगा। आपकी अन्य वर्ग कुंडलियों पर चलते हैं और उनका भी एनालिसिस करते हैं। पहले मैं आपको सुदर्शन चक्र के बारे में बता देता हूँ। सुदर्शन चक्र एक ऐसी कुंडली है जहाँ हम लग्न से, चंद्र से और सूर्य से देखते हैं। लग्न कुंडली से दशम भाव में ग्रह है,
चंद्र कुंडली से दशम भाव में कोई ग्रह नहीं है, सूर्य कुंडली से दशम भाव में ग्रह है। तो अगर लग्न सूर्य चंद्र तीनों कुंडलियों से तीनों भाव में ग्रह हो और अच्छी स्थिति में हो तो एक महापुरुष का योग बनता है। लेकिन यहाँ पे लग्न से सूर्य है शत्रु राशि में है और सूर्य से चंद्रमा है वो भी शत्रु राशि में है, तो आप अच्छे हैं, कर्मठी हैं, कर्मशील हैं, अच्छा पैसा सम्मान अपने वर्क प्लेस पे कमा ले जाएंगे। लेकिन कोई बहुत बड़ा महापुरुष योग या समाज में बहुत ही अधिक नेम फेम गेन कर लेना, ये सारी चीज़ें नहीं हैं। इनकी एक्सपेक्टेशन बहुत अधिक आपको नहीं करनी है कि सैकड़ों करोड़ की कंपनी खड़ी हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, इन सारे चीज़ों का योग नहीं दिखाई देता है। आपके दूसरे वर्ग कुंडलियों पर चलेंगे, जो हमारे वर्ग कुंडलियां हैं 16 वर्ग कुंडलियां होती हैं उस पे चलते हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए सूर्य कुंडली प्रस्तुत करता हूँ। ये होती है आपकी सूर्य कुंडली। इस सूर्य कुंडली का विचार मान सम्मान के लिए किया जाता है। लग्न में सूर्य बैठे हैं, सूर्य के साथ में कोई नीच राशि का ग्रह नहीं है और जो लग्नेश है शनि है वो अष्टम भाव में आकर के पड़ा हुआ है। तो लग्न में तो सूर्य ठीक है, लेकिन लग्नेश का अष्टम में जाना ये पूर्ण रूप से मान सम्मान की इच्छा पैदा करता है, जागृत करता है मन में। लेकिन जिस स्तर का मान सम्मान आप चाहते हैं, मन आपका कुरेदेगा, लेकिन उस स्तर का मान सम्मान आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि शनि लग्नेश जो सूर्य कुंडली का है वो छठे में है। ऊपर से यहाँ पर चंद्रमा बैठा हुआ है जो कि अकेला है, इसलिए मान सम्मान समय समय की बात रहेगी। कभी आपके कार्यस्थल पे आपका मान जान बहुत अधिक हो जाएगा, कभी कभी आपकी अपेक्षा से कम हो जाएगा। इसके अलावा हम आपकी होरा कुंडली से देख लेते हैं। होरा कुंडली आपकी कर्क लग्न की है, 4 नंबर की गिनती यहाँ पर है। तो अगर कर्क लग्न की होरा हो तो व्यक्ति अपने धन की समस्याओं को दूर करने के लिए पितरों का सहारा ले। पितृपक्ष में श्राद्ध का आयोजन करिए, गया जी में पिंडदान करिए, पितृ गायत्री मंत्र करिए। इन सारी चीज़ों से आपके पितरों की कृपा आप पर होगी और आपका धन बढ़ेगा और कर्जा आदि आपका खत्म होगा। अगर हम देशकाल कुंडली देख लें, देशकाल कुंडली से हम परिश्रम का विचार करते हैं कि व्यक्ति कितना परिश्रमी रहेगा जीवन में। देशकाल कुंडली का लग्न जो है ये धनु लग्न है, यहाँ पर कोई लग्न में नीच का ग्रह नहीं बैठा हुआ है और लग्नेश गुरु लाभ भाव में जा करके बैठा हुआ है और परिश्रम वाले भाव में बुध बैठा हुआ है। तो लग्न भी ठीक है, लग्नेश भी ठीक है और तृतीय भाव भी ठीक है। परिश्रमी आप हैं, लेकिन आप सॉफ्ट हार्ड वर्किंग हैं, टफ हार्ड वर्किंग आप नहीं करते हैं। चंद्रमा भी शनि के साथ फंसा हुआ है, यहाँ पे गुरु भी हालांकि है, तो कभी बहुत ज़्यादा मेहनत करना, कभी बहुत कम मेहनत करना, ये चीज़ आपके लिए गलत है। परिश्रमी थोड़ा और अधिक बनने की ज़रूरत है। चतुर्थांश कुंडली से हम भाग्य का विचार करते हैं। भाग्य का जो स्वामी है वो शनि है, 12वें भाव में गया हुआ है। लग्न में तो कोई नीच का ग्रह नहीं है, लेकिन लग्नेश 12वें भाव में गया हुआ है और ये जो भाग्य भाव है इसका स्वामी बुध यहाँ पर राहु के साथ में बैठा है। भाग्य की स्थिति ठीक है, लेकिन शनि का 12वें जाना आपका भाग्य हमेशा ऐन वक्त पर आपका साथ नहीं देगा, थोड़ा देर से ही साथ देगा। तो इसलिए भाग्य के भरोसे आपको नहीं रहने की ज़रूरत है। पंचमांश कुंडली से ज्ञान का विचार करते हैं कि व्यक्ति के अंदर कितना हुनर है, कितना व्यक्ति ने समाज से सीखा है, अपने अध्ययन से सीखा है। शनि का लगन है, शनि स्वागृही है और गुरु लगन में ही बैठा हुआ है। आपने अपने अध्ययन से, अपने सामाजिक अनुभव से बहुत कुछ सीखा हुआ है। पंचमांश कुंडली दिखाती है कि व्यक्ति के अंदर जो है सोशल ज्ञान, अपने पढ़ाई लिखाई का, स्कूलिंग का, उन सारी चीज़ों का अनुभव कितना आया हुआ है। तो ये अनुभव आपके अंदर बहुत विशेष रूप से भरा हुआ है, सामाजिक ज्ञान आपको बहुत अच्छा है। षष्ठांश कुंडली से हम देखते हैं रिपु का ज्ञान। लगन में गुरु बैठा हो तो शत्रुओं से कंप्रोमाइज़ करवा देता है, शत्रु बनने नहीं देता और यहाँ का स्वामी बुध अष्टम भाव में गया हुआ है, तो इसलिए भी शत्रु आपके अपने आप निस्तेज होते रहेंगे। लेकिन जो छठा भाव है, इस भाव का स्वामी शनि चंद्रमा के घर में गया हुआ है, इसलिए कर्ज की स्थितियाँ बनी रह सकती हैं, इस चीज़ का ध्यान देना है। पैसा वैसा किसी को उधार देंगे तो वो पैसा आपका फंस सकता है, मिलने में उस पैसे को वापस पाने में आपको मशक्कत करनी पड़ेगी।
सप्तमांश कुंडली के लगन में ही देखिए उच्च का ग्रह बैठा हुआ है, और जो लग्नेश है वह शुक्र है, लगन को देख रहा है, जो कि संतान विषयक बातों के लिए बहुत अच्छा है। और पंचमांश कुंडली के सप्तमांश कुंडली के पंचम भाव का स्वामी भी शनि है, वो भी उच्च राशि में बैठा है। संतान आपकी बहुत योग्य अच्छी होंगी, हालांकि बुध के साथ केतु बैठा है, थोड़ा समय लग सकता है, या कोई गर्भ वगैरह भी मिस हुआ हो ऐसा भी दिखाई देता है। हालांकि गुरु की भी दृष्टि है, इसलिए संतान पक्ष आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, सप्तमांश कुंडली आपकी अच्छी है। अष्टमांश कुंडली देख लेते हैं। अष्टमांश कुंडली से आयु का विचार होता है। लगन में ही मंगल स्वाग्रही होकर बैठा है और अष्टम भाव में दीर्घकालिक ग्रह गुरु बैठा हुआ। बुढ़ापा आपका बहुत अच्छा जाएगा, बुढ़ापे में आप सुखी रहेंगे, आयु वगैरह में आपके किसी प्रकार से कमी नहीं नजर आ रही है। हालांकि लग्न कुंडली के अष्टम में राहु है, कुछ ना कुछ शारीरिक रूप से परेशान बने रहेंगे। नवमांश कुंडली का मैंने आपको बता दिया। दसमांश कुंडली देखिए। दसमांश कुंडली का जो लग्नेश है वो बारहवें भाव में गया है। कामकाज के सिलसिले में कभी कभी यात्राएं, दूर की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। दसमांश कुंडली के दसम भाव में गुरु बैठा हुआ है, शुक्र की राशि में है, शुक्र स्वागृही है, मंगल स्वागृही है। दसमांश कुंडली आपकी बहुत ही ठीक दिखाई दे रही है, लेकिन दसमांश कुंडली में चंद्रमा शनि के साथ है, इसलिए कार्यस्थल पे आपको और अधिक मन लगाने की ज़रूरत है। कार्यस्थल पे आप जकड़ा जकड़ा सा फील करते हैं, आप पूरा ओपन नहीं हो पा रहे हैं, मन आपका पूर्ण रूप से टिक नहीं रहा है। इसका कारण यही है, शनि के साथ चंद्रमा। आप बिजनेस करते हैं उसमें भी थोड़ा मन की कमी, काम नौकरी कर रहे हैं तो जहां नौकरी कर रहे हैं वहां भी ये दिक्कत रह सकती है। आपको लगेगा कि यहां पर मेरा मन बधा सा हुआ है, मुझे पूर्ण रूप से खुली छूट नहीं मिल पा रही है, लेकिन इस चीज़ से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। एकादशांश कुंडली से हम व्यक्ति के मनोकामनाओं की सिद्धि को देखते हैं। एकादशांश कुंडली जो आपकी है, इस कुंडली के लगन में सूर्य के साथ में राहु बैठा हुआ है, ग्रहण लगा के बैठा हुआ है, और जो लगन का स्वामी है शनि, वो अष्टम भाव में आके बैठा हुआ है। इसलिए आपके मनोकामनाओं की सिद्धि, अभीष्ट की सिद्धि आपके चाहने के अनुसार नहीं होगी। यानी अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसा ऐसा करूं, ऐसा हो जाए, तो नहीं होने वाला है। यानी किसी भी काम में आप जैसा चाहते हैं वैसा ही रिजल्ट मिले, ऐसा होने की संभावनाएं कम दिखाई देती हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखते हुए जीवन में निर्णय लेने की ज़रूरत है। द्वादशांश कुंडली से माता पिता के सुख का विचार होता है। लगन का स्वामी गुरु देखिए बड़ी अच्छी स्थिति में है, और सूर्य को अगर हम देखते हैं, सूर्य भी स्वराशि में होके बैठा हुआ है, चंद्रमा तो गुरु के साथ शुक्र के सामने है। माता पिता के लिए आपकी कुंडली ठीक समझ में आ रही है, अच्छी समझ में आ रही है। माता पिता को आपकी कुंडली के द्वारा कोई कष्ट और तकलीफ नहीं है, आपको भी इनका सुख मिलेगा। हालांकि अष्टम भाव में राहु था लगन कुंडली में, तो कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण से आपके पिता को कभी आपके कारण से, आपके कार्यों से, या आपका जो नुकसान हुआ हो, व्यवसाय जो रहा हो उसके कारण से उनका मन दुखी रहा है, कुछ मतभेद आदि की स्थितियाँ रही होंगी। खोडशांश कुंडली से हम वाहन का विचार करते हैं। खोडशांश कुंडली जो है ये वाहन सुख का है। लगन में ही लगन का स्वामी चंद्रमा बैठा है, मंगल स्वराशि का होकर के बैठा हुआ है, और सप्तम भाव में शनि भी उच्च का होकर बैठा हुआ है। सप्तम चतुर्थ भाव में शनि उच्च का होकर बैठा और शनि शुक्र के साथ राशि परिवर्तन कर रहा है। घर का सुख और वाहन का सुख आपकी कुंडली में बड़ा अच्छा बनेगा। विषांश कुंडली से हम आध्यात्मिक उन्नति की बात देखते हैं। वहाँ पे मेष लगन था, यहाँ पे वृश्चिक लगन है। निश्चित रूप से भगवान शिव या माता शक्ति या शिव शक्ति की उपासना आपके लिए फलकारी होने वाली है। मंगल स्वामी है, मंगल देख रहा है, गुरु के साथ बैठा है लगन का स्वामी, धार्मिक ग्रह के साथ बैठा है, सूर्य उच्च का भी है, तो निश्चित रूप से आप आध्यात्मिकता में भी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। भौतिक उन्नति के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति पर भी प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा ये सारी कुंडलियाँ जो हैं, इसमें से चतुर्विशांश कुंडली देख लीजिए। विद्या का विचार होता है। लगन में ही मंगल बैठा हुआ है और सूर्य भी नीच का है। विद्या ग्रहण करने में आपको काफ़ी
तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा है। बलाबल ज्ञानम में अगर आप देखेंगे तो मिथुन लगन है, यहाँ पे गुरु शत्रु राशि में नहीं है, बुध शत्रु राशि में है, सूर्य ठीक है, शनि ठीक है, चंद्रमा मंगल लगभग सारे ग्रह ठीक हैं, राहु केतु यहाँ भी अष्टम भाव में हैं। ये राहु केतु के यहाँ होने के नाते यानी राहु केतु टोटल मिला करके आपके सबसे बैड प्लैनेट बन जाते हैं। ये जुड़वा बच्चों के मामले में देखते हैं तो फिलहाल इन्हें छोड़ देंगे। खोडस वर्ग सारणी में आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, ये जो 16 कुंडलियाँ हैं, नवमांश, दसमांश, सप्तमांश, विषांश, इन सबको आप एक बार में यहाँ से देख सकते हैं। जैसे देशकाल कुंडली में लगन धनु है, देशकाल कुंडली में सूर्य वृषभ राशि में है, देशकाल कुंडली में चंद्रमा तुला राशि में है, मंगल मेष राशि में है, तो इधर कुंडलियाँ लिखी हुई हैं, किस कुंडली में कौन सा ग्रह किस राशि में है यहाँ लिखा गया है, जो मैंने अभी आपको ऊपर इसका एक्सप्लेनेशन दे भी दिया है, तो इधर बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं आपके अष्टक वर्ग पर। अष्टक वर्ग के माध्यम से हम गोचर का विचार कर सकते हैं अच्छे तरीके से। ये आपकी अष्टक वर्ग की सारणी है। सर्वाष्टक सारणी यह बताती है कि किस ग्रह का किस राशि में गोचर आपके लिए अच्छा और बुरा रहेगा। यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, अष्टक वर्ग में 9 चीज़ों को, अष्टक है ना, 8 चीज़ों को लिया जाता है। 7 ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये 7 ग्रह लेते हैं, राहु केतु को नहीं लेते हैं और एक लग्न को लेते हैं। तो जब जो ग्रह आपकी कुंडली में जहाँ बैठा है उसी अनुसार से ये प्लेसमेंट बनाई जाती है। जैसे मान लीजिए आपकी कुंडली में शनि जहाँ पर हैं तृतीय भाव में हैं, आपकी कुंडली में शनि तीसरे भाव में, शनि के तीसरे भाव में होने से जब भी शनि मेष राशि पर, इधर राशियां हैं इधर ग्रह हैं, जब भी शनि तृतीय, जब भी शनि मेष राशि में गोचर करेगा यानी आपके लगन पे गोचर करेगा, मेष लगन आपका है भी, तो जब भी शनि मेष राशि में गोचर करेगा तो उसके गोचर से 4 ग्रह प्रसन्न रहेंगे। यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ ताकि आपको जब भी ज़रूरत पड़े तो आप इस उदाहरण से समझ सकें। जहाँ भी ग्रह के आगे, जहाँ भी 0 से 3 पॉइंट्स मिलते हैं वो बुरा होता है, 4 पॉइंट एवरेज होता है, 4 के ऊपर 5, 6, 7, 8 क्रमशः धीरे धीरे अच्छा होता चला जाता है। तो जब शनि मेष राशि में है तो कितने अंक मिले हैं, 4। 4 मतलब क्या होता है, एवरेज। जब भी शनि का गोचर मेष राशि में रहेगा आपको शनि एवरेज फल देगा। शनि का गोचर वृषभ राशि में रहेगा तो कितने पॉइंट मिले हैं, 1, 0 से 3 के बीच में यानी बुरा रहेगा। मिथुन राशि में शनि का गोचर आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। कर्क राशि में शनि का गोचर 5 मिला है तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसी प्रकार से शनि का गोचर किन राशियों में कैसा है आप यहां से देख सकते हैं। गुरु का गोचर देख लीजिए, कर्क राशि में गुरु का गोचर, मेष राशि में गुरु का गोचर एवरेज रहेगा, वृषभ राशि में एवरेज रहेगा, मिथुन राशि में एवरेज रहेगा। कर्क और सिंह राशियों पर गुरु का गोचर जब भी रहेगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा, और तुला राशि पर तो बहुत ही अच्छा रहेगा, इधर अच्छा है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिएगा, जहाँ भी 0 से 3 है वहाँ उस ग्रह का गोचर उस राशि पर आपके लिए खराब है, जहाँ पर 4 है वो एवरेज है, 4 के ऊपर है तो आपके लिए अच्छा है। ओवरऑल आप यह देखिए, यहाँ पर देखिए शनि का गोचर यहाँ कुल लिखा हुआ है शब्द, इधर शनि है, इधर आप देखेंगे कुल पॉइंट्स लिखे हैं, 39 पॉइंट्स। शनि को कुल कितने पॉइंट्स मिले हैं, 39। गुरु को कितने मिले हैं, 56। यानी गोचर के दौरान पूरे 12 राशियों में मेष से मीन के दौरान गोचर में ज़्यादातर आपको अच्छा फल कौन ग्रह देगा, गुरु का गोचर देगा, क्योंकि ये सबसे अधिक है। उसके बाद अधिक ये आपका 52 है, 54 है और इधर 49। इन 4 ग्रह के गोचर आपको विशेष रूप से ज़्यादातर समय लाभ देते हुए दिख रहे हैं। एक तो चंद्रमा का गोचर, दूसरा ये जो पंक्ति है बुध का गोचर औसत रूप से आपको ज़्यादा लाभ देगा, शुक्र का देगा, और गुरु का गोचर आपके लिए ज़्यादातर मामलों में शुभ रहने वाला है। अगर आप इधर देखना चाहते हैं तो इधर भी देख लीजिए कि मेष राशि में गोचर सभी ग्रहों का टोटल किया गया है। मेष राशि में ग्रहों का टोटल कितना है, 27। वृषभ में कितना मिला, 18 सिर्फ।
मिथुन राशि में कितना मिला है 31। जिस राशि में सबसे अधिक पॉइंट्स मिले हैं उस राशि पर ग्रहों का गोचर आपको ज़्यादातर अच्छा प्रभाव देगा। तो यहाँ पे ये जो 18 है यानी वृषभ राशि का गोचर, किसी भी ग्रह का गोचर वृषभ राशि में आपको बहुत अधिक लाभ नहीं देगा। वहीं अगर आप यहाँ पर देखें 31 पॉइंट्स हैं, मिथुन राशि में ज़्यादातर ग्रहों का गोचर, यहाँ देखिए 5-5 मिला है ज़्यादातर, तो ज़्यादातर ग्रहों का गोचर अच्छा रहने वाला है। इसी प्रकार से तुला राशि में भी ग्रहों का गोचर अपेक्षाकृत अच्छा है, यहाँ तो और भी अच्छा है। सबसे ज़्यादा अच्छा धनु राशि में ग्रहों का गोचर आपके लिए रहने वाला है। तो पॉइंट वाइज आप इसे खुद ही समझ सकते हैं। अब आ जाते हैं आपके सर्वाष्टक वर्ग की कुंडली पर। ये आपके सम्मुख आपकी सर्वाष्टक वर्ग की कुंडली है। सर्वाष्टक वर्ग की कुंडली मैं खोल लेता हूँ आपके लिए, फिर उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर देखिए सर्वाष्टक वर्ग की जो कुंडली है इसमें आप पहले ये समझ लीजिए जो एवरेज पॉइंट होते हैं वो 28 होते हैं। 28 के नीचे बिलो एवरेज, 28 के ऊपर एवरेज से अच्छा है। तो लगन में आपके 27 पॉइंट्स हैं जो एक कम है, यानी लगन आपका लगभग लगभग एवरेज रिजल्ट देगा। धन भाव में 18 पॉइंट्स हैं जो कि कम है, यानी धन की सेविंग कम रहेगी। यहाँ पर 31 पॉइंट्स है, परिश्रम में कोई कमी नहीं रहेगी। भौतिक सुख हो गया ये अच्छा रहेगा, घर गाड़ी एसी वगैरह का सुख आपको मिलेगा। संतान भाव में 26 पॉइंट्स हैं, तो संतान आपके होंगे लेकिन संतान से आपको बहुत कुछ अपेक्षा नहीं रखना है। यहाँ पर 29 पॉइंट्स हैं जो कि शत्रु का घर है, 28 से एक ज़्यादा है, थोड़ा सा आपके शत्रु विरोधी आपसे एवरेज से थोड़ा अधिक जो है बुरा परिणाम देंगे। लगन में 27 है और यहाँ पर 29 है, यानी विरोधी थोड़ा ज़्यादा हावी हो सकते हैं। सप्तम भाव में 30 है, लगन में 27 है, यानी आपकी पत्नी का भाग्य थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा है, ये आप पे हावी भी रहेंगी। यहाँ पर 29 पॉइंट्स है, एवरेज से थोड़ा ज़्यादा है, आयु ठीक ठाक रहेगी। भाग्य में 36 पॉइंट्स हैं, कर्म में 29 है, यानी जितना आप कर्म कर रहे हैं उससे थोड़ा ज़्यादा ही आपको मिल जा रहा है भाग्य का सपोर्ट, लेकिन कर्म को आप लाभ में नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ 29 है, यहाँ 26 है, लाभ 26 है, व्यय 24 है, यानी थोड़ा सा जो कमा रहे हैं उससे थोड़ा कम ही व्यय कर पा रहे हैं, कुछ बच रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए, जिन जिन भावों में 30 या उससे अधिक बिंदु हैं, जैसे यहाँ पे 31 है, यहाँ 32 है, यहाँ 30 है, यहाँ 36 है, जहाँ 30 हो या उससे अधिक बिंदु है, जब इन भावों में किसी ग्रह का गोचर होगा या इन राशियों पर होगा तो आपके लिए बहुत ही अच्छा फल करेगा। आपने कुछ प्रश्न पूछे हैं, आपके कुछ प्रश्नों को भी मैं ले लेता हूँ, आपके प्रश्नों का भी उत्तर दे देता हूँ। जन्म समय का संशोधन मैंने आपके लिए कर लिया है। पहला जो है कि प्रमोशन होने वाला है, प्रमोशन वास्तव में होने वाला है, मिल भी जाएगा और प्रमोशन ले भी लीजिए। कठिन शर्त कंपनी अभी रख रही है लेकिन 22 अप्रैल के बाद शर्तों में ढील आ जाएगी। बिजनेस की तरफ बिल्कुल भी ना जाइए, वही आपके लिए उचित है। बिजनेस करना आपके लिए घाटे का सौदा हो जाएगा, एक बार आपने नुकसान सहा है और फिर से जाना मेरे ख्याल से आपके लिए उचित नहीं है, इसलिए आप पुनः बिजनेस की तरफ ना जाएं तो ही ठीक है। कारण है ये अष्टम भाव का राहु। दूसरा कारण ये है कि ज़्यादातर ग्रह आपकी कुंडली में स्थिर राशि में बैठे हुए हैं। बुध की दशा आपकी प्रारंभ होगी मई 2027 से, तो बहुत ही अच्छा समय आएगा, सारा कर्जा उर्जा निकाल के अच्छा पैसा, अच्छा जो है भौतिक जीवन आप बना ले जाएंगे। व्यवसाय फिर से नहीं जाना चाहिए आपको। अभी अगर हम भविष्य की बात करें तो भविष्य में अक्टूबर 2024 तक आपको सतर्क रहना है, किसी लालच में नहीं पड़ना है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, उसके बाद आपका समय अच्छा आएगा, सारा कर्जा आपका मुक्त हो जाएगा और आप एक अच्छा जीवन यापन कर सकेंगे। उपायों की बात करें अगर स्टोन वगैरह की, तो कौन सा स्टोन आपको पहनना है इस पे भी चर्चा कर लेते हैं।
एक तो आप जो है अपनी कुंडली के अनुसार सूर्य का स्टोन माणिक्य पहन लीजिए, सूर्य आपका अच्छा है। दूसरा बृहस्पति का स्टोन पुखराज पहन लीजिए। तीसरा चंद्रमा भी पीड़ित है और चतुर्थ भाव का स्वामी है, इसलिए मोती भी पहन लीजिए, 11-12 कैरेट का मोती, 8-10 कैरेट का पुखराज ये माणिक्य और 8-10 कैरेट का पुखराज, ये तीन चीज़ें पहनिए। चंद्रमा का जप करवाइए, राहु का जप करवाइए और केतु का जप आपको करवा लेना चाहिए। राहु केतु को जितना सही करेंगे चंद्रमा को दान करके या जप करके, उतना ही आपका जीवन बेहतर होता चला जाएगा।